फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ी ही ट्रेडिशनल होती है, हरियाणा और पंजाब में बहुत खाई जाती है और राजस्थान में भी स्पेशली खाई जाती है। और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो बाजरे की खिचड़ी मुझे बड़ी पसंद है। हाँ, तो फ्रेंड, जो पहले लेडीज होती थी वो ओखली में बाजरे की खिचड़ी बनाती थी। उसके बाद जो नई उससे नई जनरेशन आई, उन्होंने ओखली को रिप्लेस कर दिया किससे, मोम जस्ते से। उसके अंदर वो जो ओखली छोटी हो गई एक तरीके से, उसमें लोहे के मोम जस्ते में बनाना शुरू कर दिया। जो मेरी दादी थी वो बनाती थी ओखली में, और मेरी मम्मी ने बनाई है मोम जस्ते में। और अब जमाना इंस्टेंट हो गया है और भी ज़्यादा टेक्निक्स आ गई हैं, तो अब मैं बनाती हूँ मिक्सी में। तो आज मैं आप लोगों को खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी कि मिक्सी में हम बाजरे की खिचड़ी ट्रेडिशनल तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं थोड़े से चावल। इसी में हम अब चने की दाल जो है उसको भी भिगो के रख देंगे, ताकि जब हम बनाएं तो ये जल्दी से गल जाए। इन दोनों को हम धो लेते हैं अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें जस्ट इतना सा चलाना है, एक बार, दो बार। ये देखो, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसको हम फिर से साफ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी तिनके वगैरह हैं वो सब हट जाए। फ्रेंड्स, जो पुरानी लेडीज होती थी वो भी जब ओखली में इसको बनाती थी तो वो एक बार उसको इसी तरह का करके उसकी जो सारी भूसा है उसको हटाते थे, जिसको राली बोलते थे, कि राली को हटा दिया गया है। उससे इसका जो कवर है वो थोड़ा कड़वा होता है, वो सब हट जाता है और हमारी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको साफ कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसको हम फिर से मिक्सी में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर रखेंगे, बस ये थोड़ा सा भीग जाए। फ्रेंड्स, इसमें मैं वही सारे प्रोसेस फॉलो करती हूँ जो हम ओखली में करते थे, ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आए। ये देखिए फ्रेंड्स, जो बाजरे की खिचड़ी है वो हमेशा ओपन बनानी चाहिए, उसमें सीटी नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा ओपन में धीरे 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 पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी वो। इसीलिए जो पुराने ज़माने में फ्रेंड्स बनाते थे वो लोग हांडी यूज़ करते थे, और प्लस वो हारे पे उसको यूज़ करते थे, जो आप चूल्हा समझते हैं। चूल्हा और हारे में थोड़ा डिफरेंस है। हारे के अंदर उसको रख दिया जाता था और वो धीरे 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 पकती थी। तो सेम प्रोसेस मैं यूज़ करने जा रही हूँ। मेरे पास ये हांडी है, इस हांडी में मैंने 4 गिलास पानी डाला है फ्रेंड्स। एक कटोरी मैंने बाजरा लिया था और आधी कटोरी जो है मेरे चावल और चने की दाल थी। तो बस अब इसको उबलने देंगे और फिर इसके अंदर हम अपनी सामग्री डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर रखा था तो वो उसकी वजह से ये ऐसा दरदरा सा हो गया है। अब इसको हम पीस लेंगे। इसको बिल्कुल, इसका आटा नहीं बनाना है फ्रेंड्स, थोड़े से इसमें दाने रहने चाहिए। ये देखिए आप, ये इस तरह से दरदरा हमें पीसना है फ्रेंड्स। और ये सब कुछ तैयार है अपना, बस पानी उबलने देते हैं फिर इनको डाल देंगे। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है पानी, उससे पहले ही हम इसमें चने की दाल और चावल डाल देंगे। पहले इनको एक बार उबलने देंगे, उसके बाद हम इसमें बाजरा डालेंगे फ्रेंड्स। हाँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, दाल और चावल उबल गए हैं। अब इसी स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर डाल देंगे जो ये हमने बाजरा कूट के रख रखा है इसमें। ये देखिए आप, और डालते ही फ्रेंड्स इसको चलाना है, नहीं तो इसके अंदर गाँठें पड़ जाएंगी जो कि बहुत गंदी लगेंगी। इसको हिलाते रहिए आप। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्वाद अनुसार हम डाल रहे हैं नमक। नमक डालने के बाद इसको उबलने दीजिए और इसकी गैस को हम थोड़ी देर के बाद सिम पे कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये खिचड़ी उबल रही है
और बस इसी स्टेज पर इसको सिम कर दीजिए और इसको ढक दीजिए, तो ये बहुत ही टेस्टी खिचड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, कितनी अच्छी खिचड़ी लग रही है। बस अब इसको आप डालिए और घी डाल के इसको खाइए, बाद में दूध के साथ भी खा सकते हैं। और फ्रेंड जब ठंडी हो जाए तो इसको हम दही के और लस्सी के साथ भी खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप सभी लोग इंजॉय कीजिए।